में आप देख सकते हैं इस वेरा फिर अपने लिए लेंगे और एक बियर तुरा भाई के लिए लेंगे। तो ये रहे शराजी रहे, इनकी प्राइस क्या है आप देख सकते हैं। होमोग्रोमो शायद इनका नाम है, वाइट कलर में काफ़ी प्यारे हैं। ये रहे लटीनो, तो चले अभी मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच कॉक वगैरह ये मिल गई हैं। तो अभी हमारे पास सेटअप के लिए जाएगा। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ये वाला हमारे पास केज था ये खाली था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस केज में कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तो आज जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अभी हम जाएंगे मार्केट में और वहाँ से कुछ ना कुछ बर्ड्स लेकर आएंगे, अपने लिए भी लेकर आएंगे और तुराब भाई के लिए भी लेकर आएंगे, क्योंकि हम इस मंथ तुराब भाई को भी कोई ना कोई बर्ड्स उन लोगों को गिफ्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग कमेंट में बहुत से फ्रेंड मुझे बोलते रहते हैं भाई आप उनको कोई बर्ड्स गिफ्ट करें। तो फाइनली दोस्तों आज हम मार्केट जा रहे हैं, अपने लिए भी बर्ड्स लेकर आएंगे और तुराब भाई के लिए भी लेकर आएंगे। और दोस्तों हम तुराब भाई को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अल्लाह पाक उनको इसी तरह सलामत रखे, हमने उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखे उनसे। चलिए अब बिना टाइम जाए चलते हैं मार्केट और वहाँ से कुछ ना कुछ बर्ड्स लेकर आते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह मतलब कि रोज़ाना पेट्स व्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट और मार्केट में जाकर मिलते हैं। तो अभी हम मार्केट में आ चुके हैं, तो चले देखते हैं आज हम जो चीज़ खरीदने के लिए आए हुए रेंजेट तो वो हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो चले अब ढूंढने वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम एक शॉप के ऊपर आए हूँ, तो चले अभी मुझे यहाँ पर आप देखने के लिए देख सकते हैं स्विच कॉक वगैरह ये मिलती हैं। तो अभी हमारे पास सेटअप के लिए जगह वगैरह नहीं है, नहीं तो हम यही खरीद लेते। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के ये पिजन यहाँ पर मौजूद हैं, माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे हैं। और यहाँ पर असील मुर्गा वगैरह भी है, ये देख सकते हैं आप पीकॉक, माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हमने आज ख़रीदनी है कि रिंग नेक वगैरह ख़रीदनी है, एक फिर अपने लिए लेंगे और एक फिर तुराब भाई के लिए लेंगे। तो ये रहे शराजी रहे, इनकी प्राइस क्या है, कितने तक मिल जाएगा पेयर इनका? 3500। तो इसकी जो प्राइस है उस वक्त मार्केट में 3500 चल रही है, माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे हैं ये भी। तो बजी वगैरह ही पड़े हुए हैं, लेकिन अभी हमने ख़रीदने हैं माँ ये भी फ्रेंड, ये डॉग्स वगैरह देख सकते हैं आप। लेकिन इनके पास सोचते हैं अगर हमें ये मिली तो हम यही ले लेंगे किसी कितने पाई से। तो चलिए अब आगे किसी और शॉप के ऊपर विज़िट करते हैं, देखते हैं हमें अगर वहाँ से मिल गए तो। तो ये आप डॉग्स वगैरह भी देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी हैं, माशाल्लाह से आज मार्केट बहुत अच्छी लगी हुई है। और ये रहे लकी पिजन, माशाल्लाह से ये भी अच्छे ही हैं, प्यारे ही हैं, इंशाल्लाह ये भी हम कुछ दिन तक अपने सेटअप के ऊपर लेकर जाएंगे। तो माशाल्लाह से आप ये सिल्की वगैरह देख सकते हैं, ये भी काफ़ी प्यारी है। तो ये आप देख सकते हैं लेकर जाएंगे इंशाल्लाह जी, प्यारा है माशाल्लाह से। इसका पेड़ कितने तक मिल जाएगा, पेड़ मतलब जोड़ा हाँ? इसका जोड़ा कितने तक मिल जुल सी जोड़ा और टुकड़ी भी जो कहते। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पी काक के ये बच्चे वगैरह भी इधर हैं। इसकी जो प्राइस वक्त चल रही है मार्केट में 12000 रुपये चल रही है पेड़ का। तो जो मैंने आपको पहले बताई थी उसकी जो वो काफ़ी बड़ी थी, तो इस वजह से वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी। इंशाल्लाह हम जगह वगैरह बना लेंगे अपने सेटअप पर, फिर ये भी इंशाल्लाह अपने जो सेटअप है उस पर लेकर जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं फिशेस वगैरह, अभी हम मार्केट से वापस आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब भैया से सॉरी करूंगा, सॉरी इस वजह से करूंगा क्योंकि मार्केट में जब मैं गया हूं तो मुझे सब भाइयों ने यही बोला है कि भाई जो रिंग नेक होते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। तो क्योंकि आप लोगों के सामने मैंने सब भाइयों से पूछे मार्केट में, तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम नहीं रखते अगर जिस, क्योंकि जब वो पुलिस वाले चेक करने के लिए आते हैं तो किसी भाई के पास अगर वो वाला बर्ड्स पकड़ा जाए तो उसके ऊपर फ़ाइन वगैरह करते हैं। तो अगर कोई भाई बेचने के लिए भी आए हो उसको पकड़ा जाए तो उसके ऊपर फ़ाइन होता है, तो इस वजह से वो कहते हैं हम नहीं रखते। तो दोस्तों मैंने सोचा हुआ था कि तुराब भाई को गिफ्ट करेंगे, जैसा कि अगर आप लोगों ने आज फिर उनकी वीडियो देखी उनके पास भी एक पेयर आए हुए थे, मैंने सोचा क्योंकि उन्होंने बोले कॉलोनी बनाएंगे उसमें रखेंगे,
मैंने बोला क्यों नहीं हम भी एक पेड़ उनको दे दें, तो लेकिन वो उनकी नसीब में शायद नहीं था, तो मैं क्योंकि आप सामने मैंने सारी मार्केट में देखे लेकिन मुझे वो पेड़ नहीं मिला। तो दोस्तों अभी आप लोग कमेंट करके बताएं कि हम कौन से ऐसा बर्ड जो उनको भी गिफ्ट करें और अपने लिए भी मार्केट से लेकर आएँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ मुर्गियाँ लेने, मुर्गी में हमारे दोस्त है उसके पास मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं, तो अभी उससे मैं मुर्गियाँ वगैरह लेकर आऊँगा। अभी पता नहीं है मैं कितनी लेकर आऊँगा, तो अभी चलते हैं उसके सेटअप पर, वहाँ से मुर्गियाँ वगैरह जो हैं वो लेकर आते हैं अपने सेटअप पर। तो चले बिना टाइम से चलते हैं उसके घर और यहाँ से मुर्गियाँ वगैरह लेते हैं और फिर लेकर अपने सेटअप पर आते हैं। तो दोस्तों यकीन जाने काफ़ी दुख हुए क्योंकि हम यहाँ से लेने गए थे बर्ड्स, मैंने सोचा अपने लिए भी एक पेड़ ले आऊँगा और उनके लिए भी, लेकिन मुझे मार्केट से नहीं मिल सका। तो चलिए क्या कर सकते हैं, अब आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, अब जिस बर्ड्स का आप लोगों ने बोला तो वो बर्ड्स लेकर आएंगे हम अपने अपने सेटअप पर भी लेकर आएंगे और ट्रावल को भी गिफ्ट करेंगे। तो हमारा जो पिजन था वो भी एक ऊपर चला गया, तो अभी इसकी बहुत परेशान है, अभी पिजन को हमने बाहर निकाला हुआ था और उनमें से एक ऊपर चला गया है। तो चलिए अभी हम इंतज़ार करते हैं, जैसे ही अंधेरा होता है तो हम इसको ऊपर से पकड़ लेते हैं, ज़्यादा टांग नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि ज़्यादा उस साइड ना चला जाए, फिर इसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी हमें। दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चांद को देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, आगे बादल वगैरह आए हुए हैं, चमकना स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आज आपको मार्केट में मछलियाँ वगैरह दिखाई थी, तो यहाँ पर इंशाल्लाह हम फाउंटेन वगैरह बनाएंगे कुछ दिन तक, तो तकरीबन हमारा एक हफ्ते तक इंशाल्लाह यहाँ पर काम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा फाउंटेन का भी। फिर हम यहाँ पर ला के जिस तरह की मैंने आपको मार्केट में भी फिश वगैरह दिखाई थी, तो फिर वो फिशेज वगैरह जो है हम यहाँ पर ला के रखेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि हम कौन कौन सी फिशेज वगैरह ला के रखें, और इंशाल्लाह कल या परसों तक यहाँ पर काम वगैरह भी स्टार्ट कर लेंगे फिशेज फाउंटेन का, जिस तरह की ट्रॉप एक सेटअप पर बनी हुई उस तरह की। और दोस्तों आप हमारे पौधे वगैरह देख सकते हैं कितने ख़राब हो गए थे गर्मी की वजह से, लेकिन अभी फिर दोबारा मतलब किसके नए पौधे वगैरह आ रहे हैं, फिर दोबारा ठीक होते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनको मैं रोज़ सुबह मतलब के मोटर वगैरह लगाता हूँ और इन सबको पानी वगैरह देता रहता हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारे हो गए। बीच में शायद जो पौधे हैं वो ख़राब हो गए, अभी इनको हम निकालेंगे और यहाँ पर जो है न्यू पौधे वगैरह लगाएंगे। और दोस्तों जो आपको ये दो पिलर नज़र आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान हम बनाएंगे केज, जिसमें हम रखेंगे मतलब के डव वगैरह रखेंगे, चाइना डव होगी और दूसरी डव होगी, तो वहाँ पर हम इंशाल्लाह यहाँ पर केज बनाएंगे और उनको यहाँ पर रखेंगे। और के साथ जो आपको ये दूसरी जगह नज़र आ रही है, इंशाल्लाह हम यहाँ पर जो है रैबिट्स वगैरह रखेंगे, रैबिट्स और जो होती हैं बकरियाँ वगैरह होती हैं वो रखेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारी जो दूसरी जगह थी बकरियों की वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो अब उनको छत के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर मतलब कि फार्म वगैरह बनाएंगे जिस तरह के तौर पर सेटअप के ऊपर बनाए हुए, तो उस तरह का हम यहाँ पर बनाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर रखेंगे रैबिट्स। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अंधेरा वगैरह तो हो चुके, जितने बर्ड्स हैं उनको सबको मैंने बांध वगैरह कर लिया, अभी मार्केट से मैं वापस आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज का व्लॉग है आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो चलें मिलते हैं फिर अगली व्लॉग में, तब तक के दुआ में याद रखिएगा, फी मान।